हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल श्रीमाल एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वॉशिंग सोडा धोने का सोडा है क्या। ओके, अक्सर बिहार बोर्ड के और सीबीएसई के परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा, डिफाइन वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा से आप क्या समझते हो, उसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम लोग सब उसकी बातें करेंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वॉशिंग सोडा धोने का सोडा, ओके, सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। ओके, अब पढ़ते हैं क्या है। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, जो वॉशिंग सोडा धोने का सोडा जो है, धोने का जो सोडा है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका नाम है व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है, 10th है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेकाहाइड्रेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ बात कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज विच डजंट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, अगर वो सोडियम कार्बोनेट जिसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अगर नहीं है, उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन का 10 जो नहीं है H2O अगर उसके बिना है, तो Na2CO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सोडा ऐश। प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी बनते हैं कि सोडा ऐश क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा जो वॉशिंग सोडा है, प्रायः अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि से तैयार किया जाता है। ये विधि क्या है, हम लोग अभी देखेंगे कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, ये सारे एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग सबकी चर्चा करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे वॉशिंग सोडा जो है, धोने का सोडा जो है, धोबन सोडा जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, जिसको ब्राइन हम लोग बोलेंगे, इस रिएक्टेड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा फ्रेंड्स, अमोनिया, हिंदी में देख लेते हैं, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन ब्राइन NaCl, ओके, में CO2 गैस प्रवाहित करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। जो हमारा ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए क्या करते हैं, हम लोगों ने NaCl लिया, ओके, सोडियम क्लोराइड आपको नाम पता होगा, प्लस NH3, सो क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिया, ओके, प्लस H2O, वाटर, पानी, उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जब इनके बीच रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना है, कौन सी रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम ने ये रिएक्शन दे सकता है और उसको कंप्लीट करने के लिए बोल सकता है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब रिएक्शन क्या होगी, अब इसको यहाँ से उठाएंगे और अब इसके साथ हम लोग करेंगे, देखिए क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया और हम लोग को क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, NaHCO3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, ड्राइड हीटेड ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स, जो हम लोग को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला यहाँ पे, उसको हम लोग हीट करेंगे, ओके, हम लोग उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम लोग को क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट सोडा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, और हमारा ये, ओके, हम लोग को ये मिला। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग को याद रखने वाली बात है कि हम लोग को यहाँ पे जो मिलेगा Na2CO3, उसको हम लोग सोडा ऐश बोलेंगे, ओके, और यहाँ पे हम लोग का जो ये सोडियम है बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे,
तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम दो यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे दो से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दो सोडियम हो गया। ओके अब आप ऐड कर लो, सब चीज इक्वल है, बैलेंस है, एन एच दो कार्बोनेट ऑक्सीजन तीन दून छः, तीन दो पाँच एक छः, राइट। आप देख लो सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन इधर भी दो है, ओके एंड व्हाट कार्बन, इधर कार्बन वन टू टू इक्वल, ओके बैलेंस, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सोडियम कार्बोनेट को यहाँ से लेंगे, इसका पानी के साथ रिएक्शन रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे और हम लोग को क्या मिल जाएगा, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम लोग को मिल जाएगा, जिस जो हम लोग प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे क्या एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट जो हम लोग को मिला उससे हम लोग कैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त करेंगे, बोले तो वाशिंग सोडा, धोने का सोडा। एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट जो सोडा एस जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, सोडा एस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वाशिंग सोडा क्रिस्टल कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ओके सोडियम कार्बोनेट हिंदी में देख लेते हैं कि रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ओके ये बिहार बोर्ड के लिए, ये CBSE वाले बोर्ड के लिए। ओके देख लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, ओके जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे आप लिख लेना सोडा एस, इसको क्या बोलते हैं सोडा एस बोलते हैं, वो पानी के साथ इसको डिजोल्व करने के साथ हम लोग क्या चाहिए था, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो हम लोग को क्या चाहिए था, वाशिंग सोडा, हम लोग को वो मिल गया। देख लीजिए वेरी इजी है फ्रेंड्स, इसको प्रिपेयर करने के लिए धोने का सोडा जो है, वाशिंग सोडा प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को तीन स्टेप ने जो रिएक्शन है उसको बस याद रखना है। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछेंगे कि प्रिपेयर करने का तरीका कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आपको ये तीन स्टेप लिखना है विथ रिएक्शन, आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम लोगों ने फ्रेंड्स आप जब एग्जाम देने जाओगे बोर्ड का, ओके तो उसमें पूछेगा कि इसका यूजेस क्या है। ओके तो इसका यूजेस हम लोग देख लेते हैं, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का, कार्बोनेट के सोडियम वाशिंग सोडा का क्या इसका उपयोग है। सो फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट जिसको वाशिंग सोडा बोलते हैं इज यूज एज क्लिंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक वाशिंग क्लॉथ। फ्रेंड्स इसका हम लोग जो घर पे कपड़ा धोते हैं उस कपड़े को धोने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ओके हिंदी वाले बच्चों के लिए कपड़ा आदि धोने में इसका उपयोग होता है, क्लियर। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है फ्रेंड्स, मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा। ओके नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, क्या बोलता है कांच कागज साबुन आदि में इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्या, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो शेयर और लाइक करिएगा। ओके और चैनल हमारे चैनल से बने रहिए, आपको और ही बहुत ही बेहतरीन मटेरियल मिलने वाला है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।